तो यहाँ से काफी सारे स्कूल के बच्चे भाई स्कूल जा रहे हैं नगरजुना गांव के जुनियागढ़ स्कूल में। पर पूरी पैकिंग हो चुकी है, सारे बैग रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर, कल हम चार आदमी थे और इतना सारा सामान भी था देखिए, और चार आदमी बड़े बड़े लोकेशन एकदम ऐसे है ना, दिल छू लेने वाली। यहाँ से बिनसर भी दिख रहा है, बर्मा ढूंगी दीवा मंदिर। अब इस लोकेशन को टाटा बाय बाय करते हैं और चलते यहाँ से घर की तरफ। और ले गए थे सामान, पानी पीते हैं थोड़ा। धन्यवाद लक्ष्मण भाई आपका। सारे खेत हैं और सभी में हल लग रहा है लगभग, और जिन भी खेत में अभी गोबर फेंका कितने शानदार लग रहे हैं ना, मस्त वाले। तो सभी लोग जो है खेत में अभी काम करें एकदम मस्त तरीके से भाई। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देख प्यारे सुबह, सामने हिमालय पर्वत और सूर्यदेव जी के दर्शन भी हो गए, सामने आग बुझली है और यहाँ पर अपना टेंट सेट रेडी। तो दोस्तों कल रात हम यहाँ पर रुके थे और सामने है माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जहाँ के अभी कुछ देर में जाएंगे। और बाकी ऐसा नज़ारा है भाई, एकदम गजब वाला है, मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ खिलखिलाती धूप, चमकदार पहाड़ देवभूमि उत्तराखंड के, गजब। तो यहाँ पर कल रात से आग जलाई थी जो कि सुबह तक जली हुई है, और रात भर ऐसे जहाँ जंगल में रुकना है ना, तो उसके पास ऐसे आग जलानी चाहिए आसपास में, क्योंकि आदमी के पूरे शिफ्ट हो जाते हैं। तो बादशाह भी उठ गए। तो बादशाह कैसा रहा रात भर का? रात भर का तो एक्सपीरियंस मुझे ठीक नहीं लगा। अच्छा, ये ठंडा हो रहा था पूरा माहौल। हाँ, नींद नहीं आई ढंग से ना, नींद नहीं आई कुछ ऐसा है। सामने सूर्यदेव जी भी, अब कुछ देर में जो हिमालय पर जाना है साफ दिखा देगा, वहाँ धुन टाइप की लगी है। जय श्री राम जी के दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत चमकते पहाड़ से। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और सामने का व्यू है ना जो एकदम गजब वाला है। सामने हिमालय पर्वत, धुंध भी लगी है नीचे, और सारे चमकते पहाड़, और सामने रहा हमारा टेंट सेट। तो कल रात हमने यहाँ पर नाइट कैंपिंग की थी, आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। तो सामने है भाई अभी, और बाइक वगैरह भी सब वहीं पर लगाई है। तभी थोड़ी देर में ना कॉफ़ी वगैरह पी कर हम जाएंगे सीधे दोस्तों ऊपर, माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, यहाँ दर्शन करने जाएंगे और उसके बाद घर चल देंगे। तो जैसा भी होगा आपको पूरा ब्लॉग में देखने को मिलेगा, आप ब्लॉग के साथ बने रहेगा। तो अभी का जो नज़ारा है ना एकदम गजब वाला है, और इस साइड है जुनियागढ़ी गाँव। तो दोस्तों अभी के टाइम पर जो है ना कॉफ़ी बन रही है, तो अनु भाई कॉफ़ी बना रहे हैं। अनु भाई कैसा फील हो रहा है, कल रात कैसा लगा? फाइनली कॉफ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच हिमालय के साथ कॉफ़ी का आनंद लेंगे। और सामने का व्यू है ना गजब वाला है। तो दोस्तों अभी के टाइम पर सभी सामान समेट रहे हैं और इसके बाद सीधे मंदिर में चलेंगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने और आपको भी कराने के लिए। तो अभी टेंट भी पैक करते हैं, बाकी कपड़े वगैरह सब पैक हो चुके हैं। तो वन नाइट कैंपिंग दिए हमारे, और इसके बाद आपको और ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। अभी लंबा टूर में जाने वाले हैं तो आप चैनल के साथ बने रहेगा। तो अभी टेंट भी उतार दिया है और अभी टेंट की जो है वो कर रहे हैं, चौपाई कर रहे हैं। तो इस टेंट का उदाहरण यही हुआ माँ वैष्णो देवी के चरणों में पहला दिन। तो भाई साहब कल रात हमारे साथ रुके तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हैं भाई, उन्होंने मतलब खाना पीना भी, और देखिए काफ़ी सारे काम उनको आते हैं, हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छा लगा भाई साहब के साथ नाइट कैंपिंग करके। भाई साहब एक बार हेलो कर दीजिए हमारे दर्शकों को। जय माता की, जय माता की। तो दोस्तों ये है भाई टेंट, इसके अंदर कल हम चार आदमी थे और इतना सारा सामान भी था देखिए, और चार आदमी बड़े बड़े, तीन भाई लोग और एक मैं, और सिर्फ इतना ही है। तो ये है टेंट। तो यहाँ से काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भाई स्कूल जा रहे हैं नगरजुना गांव के जुनियागढ़ स्कूल में। तो दोस्तों अभी के टाइम पर पूरी पैकिंग हो चुकी है, सारे बैग रेडी हो चुके हैं, और अब हम जाएंगे माँ वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और जो व्यू है ना एकदम शानदार, और अब हिमालय पर्वत भी चमकने लग गया क्योंकि वहाँ धूप की किरणें पड़ चुकी हैं। दोस्तों अभी चल रहे हैं भाई माँ वैष्णो देवी के मंदिर में,
तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली माँ वैष्णो देवी के मंदिर में पहुँच चुके हैं और मैंने यहाँ से काफ़ी सारे ब्लॉग बनाए, उनका उन ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और ये सामने है धर्मशाला, इधर से सामने आप जाएंगे तो यहाँ पर है बांस के पेड़ के नीचे जो है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर है, जो कि हर जगह रहता है मंदिरों के साथ, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी रक्षा कारक होते हैं। और अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और यहाँ से जो नज़ारा एकदम गजब के गजब, लोकेशन एकदम ऐसे है ना दिल छू लेने वाली। तो यहाँ से बिनसर भी दिख रहा है, बर्मा ढूंगी दीवा मंदिर, काफ़ी सारे टेम्पल्स वगैरह दिख रहे हैं जो भी हैं भाई। चलो चलिए चलते हैं, ओम जय वैष्णो माता मंदिर जूनियागढ़ी नगर जुना। तो यहाँ से चारों ओर के शानदार गजब वाले नज़ारे दिख रहे हैं, अभी सब ऊँची ऊँची चोटियाँ दिख रही हैं और सामने माँ दीवा का मंदिर भी है सामने। तो फर्स्ट चोटी वो है और दूसरे सामने ऊँची जो गड्डी ढैया जहाँ मैं परसों गया वहाँ के ब्लॉग डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा दो, और तीसरी ये वाली चोटी है। तो तीन चोटियाँ हमारे क्षेत्र की जो सबसे ऊंची है, तो आज हम यहाँ पर आए हैं। तो अभी माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जो है ताला लगा है, पुजारी जी नहीं आए अभी क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं, तो अच्छे से दर्शन भी हो गए हैं और आपको भी करा दिए हैं। तो सामने है बजरंगबली जी का मंदिर, तो यहाँ से अपने इलाके के सारे गांव दिख रहे हैं। सबसे पहले हमारा मलालखोरा है, तैनसाली सैन, मटखानी, बुरांसपानी, भंगलौनी, कफल गांव, जस्तकोट और लखरकोट, रानी डेरा, बासकटी गांव, जाली खान, इकोखेत और बहुत सारे और भी गांव हैं। यहाँ सामने है नगरजुना गांव। तो यहाँ से ना दोस्तों एक गुफा थी जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक इस खम्भों के सामने से और ठीक निकलती थी सियालदी नीचे को केलानी साइड में। तो ये अंग्रेजों के ज़माने में या फिर गोरखाओं के ज़माने में थी। तो सामने जो भैरव मंदिर है ना, अब यहाँ पर दर्शन करते हैं, क्योंकि कहीं भी भैरव मंदिर होता है, अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी होते हैं, तभी जो यात्रा होती है पूरी मानी जाती है। तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों अभी चलते हैं मंदिर से नीचे की ओर और वहाँ से चलेंगे घर की तरफ। तो अब इस लोकेशन को टाटा बाय बाय करते हैं और चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो ये रहे हुए कुल्हाड़ी और कैन जिनको कल ले गए थे, आपने पिछले व्लॉग में देख लिए होंगे। तो चलते हैं उनके घर में, इनको वापस करके आते हैं और उनका धन्यवाद करेंगे। तो ये है लक्ष्मण का घर, जिनसे इनके पापा से हम कल ले गए थे सामान। तो पानी पीते हैं थोड़ा, तो धन्यवाद लक्ष्मण भाई आपका। तो अभी बजरखोड़ा में पहुँच चुके हैं और यहाँ से सभी से भाई लोग से विदा लेते हैं। तो चलो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं अनु भाई, बीरू भाई एक नई कैंपिंग ब्लॉग के साथ, नई जगह पर है ना, नई लोकेशन पर। तो भाई साहब आपके साथ बहुत ही अच्छा लगा, तो भाई साहब से विदा लेते हैं, मिलेंगे एक नई कैंपिंग ब्लॉग में। अभी प्लानिंग चल रही है ना, और जल्दी मिलेंगे। चलो ठीक है फिर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है रियल पहाड़ी, इतने सारे खेत हैं और सभी में हल लग रहा है लगभग, और जिन खेत में अभी गोबर फेंका कितने शानदार लग रहे हैं ना, मस्त वाले। तो सभी लोग जो है खेत में अभी काम कर एकदम मस्त तरीके से भाई, खूब मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, बहुत ही गजब। ये है बजवाड़ वाले के खेत, बजवाड़ गाँव सामने, और खेत देखे आप नीचे एकदम गजब, मज़ा आ गया देख के। तभी मैं रुका, मैंने कहा आपको भी बता देता कि पहाड़ों में ऐसा भी होता है, एक सीट पर खेत है ना पूरे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी घर पहुंच चुका हूं और मैं जा रहा हूं सिलेंडर भरने के लिए। हाँ सिलेंडर गाड़ी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो चलते हैं सिलेंडर भरने रोड में। ओके सर, ने बात कहा चला, अच्छा सर, अच्छा वो गुजारा है, अच्छा 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 बुरा सर।